उत्तराखंड में भेड़ पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मरीनो नस्ल की भेड़ को मंगाया है। कहा यह जा रहा है कि इनके जरिए भेड़ पालन से ऊन उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। उत्तराखंड में अब भेड़ पालकों की चांदी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की 240 मरीनो नस्ल की भेड़ों का उत्तराखंड में आयात किया गया है। इन भेड़ों में से 40 मेल और 200 फीमेल भेड़े हैं। इनकी खासियत है कि ये -15 से 40 डिग्री तक तापमान में भी जिंदा रह सकती हैं। इनसे एक बार में 6 से 7 किलो ऊन मिलता है। अभी जो भेड़े पहाड़ों में किसानों के पास हैं, उनसे एक बार में सिर्फ 1 से 2 किलो तक ऊन मिल पाती है। फील्ड में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं, ये 1.5 से 2 किलो एक शेयरिंग में प्रोडक्शन हो रहा है, और जो एनिमल्स हमने इंपोर्ट किया है, ये 6 से 7 किलो प्रोडक्शन हो रहे हैं पर शेयरिंग। और इसके अलावा जो ऊन का डायामीटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊन की क्वालिटी और ऊन की प्राइस को फिक्स करते हैं। और हम लोग इस नस्ल सुधार कार्यक्रम को लगातार चलाएंगे तो 5-6 साल में यहाँ पर तस्वीर बदल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की मरीनो भेड़ों से मिलने वाले ऊन की क्वालिटी दुनिया में सबसे बेहतर है। यही वजह है कि इनके दाम दूसरी ऊन की तुलना में 40 से 50 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से आए भेड़ों से मिलने वाले ऊन की कीमत बाजार में 750 रुपए प्रति किलो से 1000 तक है। इन भेड़ों से साल भर में 2 बार ऊन निकाली जाती है, जबकि उत्तराखंड के भेड़ों से निकलने वाले ऊन की कीमत महज 30 रुपए प्रति किलो है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार इसे फायदे का सौदा मान रही है। हमारे राज्य के लिए एक वरदान साबित होंगी, और जिस तरह से हमारे सचिव महोदय ने बताया कि दुगनी नहीं बल्कि 40 गुना तक इससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुणवत्ता है ऊल की, चाहे माइक्रोन्स में देखो, चाहे उसकी लेंथ में देखें, और चाहे उसका प्रोडक्टिविटी देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे फार्मर्स के लिए वरदान साबित होगा। इन विदेशी भेड़ों को टिहरी गढ़वाल के कोपरधार में चल रहे राजकीय भेड़ प्रजनन सेंटर में लाया गया है। इन सभी भेड़ों को 3 साल तक प्रजनन के लिए रखा जाएगा, जिन्हें 4थे साल तक किसानों को सौंप दिया जाएगा। भेड़ की इस नस्ल से 8 साल तक ऊन उत्पादन किया जा सकता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन भेड़ों से राज्य के किसानों की आमदनी 3 गुनी हो जाएगी, जो राज्य के भेड़ व्यवसाय के लिए वरदान साबित होगी। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।